मैं मंजूर बोल रहा हूँ, मंजूर। बड़ी जल्दी तेनु ख्याल आ गया मेरा, तूने फिर वही पहले जैसी लापरवाहियां शुरू कर दी है ना। पूरे 8 दिन हो गए, तुझे मेरा ख्याल नहीं आया। अरे मैं शाम को आ जाऊंगा ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तेरी शाम का, कई दुने सुने कहता है रोज शाम को आऊंगा, और तेरी शाम आते आते कि मेरी जिंदगी की शाम ना हो जाए। अरे सुनने ज्यादा डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक बात बता। ये हाजरा ने तेरे को डिनर के ऊपर बुलाया, खाने के ऊपर, तो तूने काय को उससे हामी भर ली? तो मैं क्या करूं, वो मेरे पीछे पड़ गई है। मैं इनकार करती हूँ ना, तो कहती है अपने घर वाले के साथ मेरे घर खाने पे आ। अरे तो तू मना नहीं कर सकती थी? और जब तू अपनी मनमानी कर सकता है ना, तो मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकती? मैं तेरे घर जरूर आऊंगी खाने पे। हाँ खुदा के लिए तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये तू इसको नहीं जानती, ये हाजरा जो है ना, ये हाजरा तेरे को बुला इसलिए रही है कि बुलावे कोई बात निकाले और फिर फड्डेबाजी करे तेरे साथ में। तो क्या हुआ, तू वो मेरे घर वाले से शौक से मिले, क्या फर्क पड़ता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ मंजूर, मेरे पास ना एक तरकीब है। हाँ तेरी जान हमेशा के लिए ना इस टेंशन से छूट जाएगी। कौन सी तरकीब? ऐसा करते हैं, किसी झूठ मूठ घर वाले का ड्रामा कर लेते हैं। ए जेबू, तूने मेरे को इतना बेगैरत समझी हुई अपने स्वर को? इसमें गैरत का सवाल कहाँ से आ गया? मैं तेरी सचमुच दूसरी बीवी बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो तू झूठ मूठ मेरा दूसरा शोर नहीं बर्दाश्त कर सकता? क्या तू अपने शोहर से बोल रही है कि मैं तेरे लिए कोई जाली शोहर का बंदोबस्त करके उसको पेश कर दूं? ओ तो उस मनुष्य का बंदोबस्त भी तो तू ही करेगा। और मैं आखिर तेरे से पूछता हूँ कि इस ड्रामे की जरूरत क्या है? सिर्फ एक दफा की तो बात है, आखिर टीवी में फिल्मों में भी तो वो झूठ मूठ के मियाँ बीवी बनते हैं ना, कोई सची मुची तो मियाँ बीवी नहीं हो जाते ना? बोलती तो तू ठीक है मैं सोचता हूँ फिर तेरे को बंदोबस्त करके मैं बता दूंगा। सीधी तरह ना तू घर आ जा, पर ना मजबूरन मुझे तेरे को ही पेश करना पड़ जाएगा। तू फिकर मत कर और किसी से तू इस बात का जिक्र भी मत कर। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपको डरा दिया तूने? वो किसका फोन था? मार्केट से फोन था, मार्केट में बहुत टेंशन है। मार्केट में बहुत टेंशन है। अब्बा घर तो कोई खास नहीं है। ये खास घर का होता है बेटा, जरा हमें भी तो बताओ। अब्बा मुझसे बेहतर जानते हैं। वो तो हम जानते हैं, आखिर हम तुम्हारे बाप हैं। अब 2500 रुपए महीने में क्या बंगला उंगला मिलेगा? मगर अम्मा तो कह रही थी कि किराया 6000 है। अरे हाय, इसी बात का तो फड़ा चल रहा। तेरा बाबा कहवे है कि 2500 रुपए, और इस घर में घुसने से पहले तेरे बाबा ने 6000 पर हाँ कह के मुंडिया भी हिला दी। अब निपटो इस मालिक मकान से। ये क्या अब्बा, इस तरह तो झगड़ा हो सकता है ना? अरे जायज बात के लिए हम किसी झगड़े से डरते, हमने ऐसे मालिक मकान बहुत देखे हैं। ओफो, मैं तो कहती हूँ इस घर में दंगा फसाद कराने की कोई जरूरत नहीं है, जाके भी इस मालिक मकान से बात कर लो। मुझे तो वो छटा हुआ आदमी लगता है। अरे वो हमसे ज्यादा क्या छटा हुआ होगा, ऐसे हमने बहुत मालिक मकान देखे हैं। आप देखिएगा, हम उसका तबीयत साफ कर देंगे। अब्बा अब्बा अब्बा, इस घर में रखा ही क्या है? अब्बा आप इस तरह करें, कोई और अच्छा सा घर देख लें। अच्छा सा घर देख लें? बेटे आज से इस घर को अपना घर ही समझो। अपना घर समझूं? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? अपना घर समझो, बाप का घर समझो। ये घर जो है ना, लॉटरी में नहीं निकला है, इनामी बोन में नहीं निकला है, समझे? ये मेरी मेहनत की कमाई का नहीं, किसी को ये दे दूंगा क्या उसको अपना घर समझे? आप ये बताइए कि आप बाहर दरवाजा खटखटाए आए कैसे? ये चले चल, मेरा अपना घर है, शेख मंजू बहाने का घर है। ये कोई मेरा दरवाजा है, कोई तबले की जोड़ी है कि जिसको खटखटा के मैं अंदर आऊं? मैं किधर से भी आ सकता हूं, मेरा बस चलेगा तो मैं खिड़की से भी अंदर आ सकता हूं। वाह 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 सेठ मंजूर साहब, ये अच्छी चालाकी आप कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड होने का ये मतलब नहीं है कि जब आपका जी चाहे मुंडिया उठा के चले आए। फैमिली का घर है ये, फैमिली का। अरे बराबर है ना, मालूम है मेरे को, मैं इसको भाई समझू कि नहीं समझू, लेकिन मैं तेरे को अपनी बहन समझने लगा हूँ, इसलिए मैं इधर एंट्री ले ली थी मैंने। देखे अगर आप इसको अपना हमसीरा समझ रहे हैं ना, तो आइंदा हमसीरा से और हमसे किराया ना मांगे। चले रिश्तेदारी करके मैं फ्री फंड के अंदर किसी को लेने दूंगा इधर में। ठीक तो कह रहे हैं मेरे मियाँ, ठीक तो कह रहे हैं मेरे मियाँ,
ये किसी गद्दार है तू? मेरे तेरों को बहन बोला बजाय भाई का साथ देने के तू अपने हस्बैंड का साथ दे रही है। भाई सोतेला है और मियाँ सगा। मियाँ का साथ ना दूंगी तो किसका साथ दूंगी? तोबा, तोबा, तोबा। मेरे रिश्तेदारी भी कायम कर लिए, बहन भी बना लिया और ऊपर से साथ दे रही है अपने हस्बैंड का। तोबा तोबा। अंकल आप प्लीज तशरीफ तो रखिए। तू कौन है? मैं अमजद हूँ और ये मेरे अम्मी अब्बू हैं। अच्छा अच्छा तुम्हें गायब करा दिया, नहीं तो मैं तो तेरे को कभी से जो है ना इस घर का बसीर समझने लगा। बोले तेरी बात सुन, ये गुलजार है जो भी तेरा नाम है गुलफाम, मैं तेरी जिंदगी खराब कर डालूंगा। तू ऐसे मत देख मेरे को, समझे? बिल्ली की माफी, मैं तेरे को बोल रहा हूँ 6,000 रुपए किराया 6,000 रुपए देने पड़ेगी। तूने सेठ मंजू उठाने वाले का प्यार देखा है, अभी उसका गुस्सा नहीं देखा है। मैं फाटता हूँ गुस्से से, फाटता हूँ, बच मेरे गुस्से से। अरे चलो बहुत जाने वाला ना जाने वाला, देख लेंगे तुम्हारा पन्ना खानी। अब भाई ये मकान तो 2,500 में महंगा है, आप इस तरह करें कोई और अच्छे से मकान देखें। बेटा अब हम इस घर में ही रहेंगे, एक इंच नहीं हिलेंगे, ये हमारा जिद है। नवाब साहब मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, हम मेरे से तमीज से बात करते हैं, समझे? अच्छा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त करूं। बात सुनो, तुम क्या चाहते हो कि मैं एक घटिया इंसान की नौकरी छोड़ के दूसरे घटिया इंसान की नौकरी करूं? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अभी भी मौका है, सोच लो। सोचूंगा, पहले ये बताओ कि आए क्यों हो? मैंने बेगम से मिलना है। यार मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। यार मैं तेरी बेगम की बात नहीं कर रहा, मैं सेठ मंजूर साहब की बेगम की बात कर रहा हूँ। कौन वाली? यहाँ वाली, दुलहा की अम्मा। अच्छा क्या काम है? नवाब साहब ने अपने पैसे मंगवाए हैं। अच्छा है? नवाब साहब ने पैसे क्यों दिए थे, किस लिए मुझे बताओ? ये बेगम साहबा से पूछना, समझे? कौन है बसीर? ये सलाम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम, क्या ख्यालत मिर्जा ने तेरे को नौकरी से निकाल दिया? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नौकरी से नहीं निकाला, आपके पास पैसे लेने के लिए भेजा है। मिर्जा मौला, अगर ये नवाब मिर्जा से शादी कर लेती ये डाइन जेबुन, तो वो पैसों का तकाजा तो नहीं करता ना मेरे साथ। बसीर तू क्या सोच रहे है, चल बैठ जा, अरे हमारी इतनी कमजोरी है तेरे पास, सुनता रहते हूँ। इधर आओ सेठ साहब, बात सुनो, ये 200 रुपए तुम रखो और जाके ख्यानत मिर्जा को बोलो कि मंजूर दाना वाले की फैमिली अमेरिका सेटल हो गई है। नहीं नहीं बेगम साहब, और नहीं, मैं इतना भी बेईमान आदमी नहीं हूँ कि 200 रुपए में आपको अमेरिका सेटल करवा दूं। और कितने पैसों में छूटेगा तू? 200 रुपए फोकट में कम है क्या? कम अज कम 2,000 रुपए तो होने चाहिए बेगम साहब। इतने पैसे मैं किधर से लाऊं? मेरे खर्ची के पैसे थे, ये ले 1,000 रुपया ले, जाके नवाब मिर्जा को बोल, वो लोग उधर नहीं रहते, उन्होंने अपना घर भी भेज दिया। चलो ठीक है, काम चल जाएगा। बस चल जाएगा ना, जाओ। लेकिन बात सुनो, अगर नवाब साहब इधर आ गए तो फिर? उसका दिमाग थोड़े खराब है मिर्जा का, जब उसको तुम बता दोगे कि वो लोग अमेरिका में सेटल हो गए तो इधर काहे को आएगा। चलो ठीक है, जैसे आप कहते। शुक्रिया सहनशाह भाई, शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ओ बशीरू, ये माल अकेले ही हजम करने के चक्कर में हो? कौन सा माल, कैसा माल? ये 1,000 का माल। देखो बशीरू, तुम इससे बात करो। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुमने इसमें से 500 रुपए मुझे नहीं दिए तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? मैं नवाब साहब के पास जाके खुद बता दूंगा कि सेठ ने और उसकी बीवी ने अमेरिका की तस्वीर तक नहीं देखी, तो अमेरिका जाना दूर की बात है, ये सब झूठ बोल रहा है। तुमको धक्के दे के नौकरी और घर से निकाल दिया जाएगा, समझ में आई बात तुम्हारे? सबर कर, चला मेरे साथ बाहर। तुम यहाँ ठहरो, मैं खुल लगा के अभी आता हूँ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्या बात है जहरा, आपका रूप तो दिन ब दिन निखरता जा रहा है, तो तुम्हारा क्या मतलब है, बिगड़ता जाना चाहिए? अल्लाह ना करे आपी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो बेटा। अरे आंटी, जुलेखा ने खामखा तकलीफ की, मैं खुद नाश्ता बना लेती। बेटा तेरे को ऑफिस जाना है, इतना सारा मेकअप करना है, तो नाश्ता कहाँ से बनाएगी तू? अरे आंटी, मेकअप तो आजकल ऑफिशियल लाइफ की मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऑफिस में तो काम करना होता है, कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी है।
स्टाफ में सादा लड़कियों को बॉस बार बार पे डांटते हैं। अब बॉस की डांट से बचने तो बेहतर है ना कि बंदा मेकअप करके चला जाए। बेटा तेरे को पता है मेकअप करने से क्या होता है, बंदे की शकल बिगड़ जाती है। अब बॉस की डांट से तो बेहतर है ना कि बंदा अपना मुंह बिगाड़ ले। अच्छा मेरे को नहीं पता, नाश्ता कर लो। वैसे आप ही कितनी आसानी से अपने सारी बात अपने बॉस पे डाल दी, जवाब नहीं वाकई आपका। अच्छा अच्छा अब ज्यादा मत बोलो, ठीक है चलो नाश्ता करने। नाश्ते की जरूरत तो पहले आपको थी, क्योंकि सारी लिपस्टिक स्लाइस और चाय की प्याली पे लग जाएगी। तुम बहुत नहीं होगी। अच्छा अच्छा चलिए नाश्ता करते। हाँ शहंशाह। हाँ मैं जरीना बोल रही हूँ। हाँ हाँ वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा नोबी से बात कराऊ। जाहिल मैं नवाब साहब को कह रही हूँ। मरवा दिया, बेगम साहबा का फोन खुल गया। हेलो जी कौन साहबा? आप मुझे भूल गए? अजी हम तो अपने आप को भी भुला चुके हैं, लेकिन उन्हें भुलाना बड़ा मुश्किल है। क्या आप अमेरिका से बात कर रही हैं? कमाल करते हैं आप नवाब साहब, आपको मिले बगैर मैं भला कैसे जा सकती हूँ कहीं भी। तो फिर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मंजूर दानेवाला की बहन बोल रही हूँ, उसके घर से बात कर रही हूँ मैं। ओहो तो इसका मतलब है कि हमसे झूठ बोला गया है, हमें फरेब दिया गया है। क्या इस दुनिया में फरेब खाने के लिए हम ही रह गए हैं? बात क्या है नवाब साहब, मुझे तो कुछ तो बताएं आप। अजी क्या बताएं, दिल के चैन के साथ 1,00,000 रुपया भी खो चुके हैं। दिल को तो करार नहीं आता, सोचा कि चलो अपनी रकम ही हासिल कर ले। हाँ लेकिन इसके लिए हमें धोखा दिया गया है और कहा गया है कि तुम्हारे बिरादर अपने कुनबे के साथ अमेरिका चले गए हैं। अच्छा तो ये सारा चक्कर हाजरा का चलाया हुआ है, आप हाजरा से एक एक पाई वापस वसूल करें। पता नहीं तुम्हारे बिरादर हमारी रकम लौटाएंगे भी कि नहीं। मैं आई विल हेल्प यू नवाब साहब, आई विल हेल्प यू कि आपको एक एक पैसा उस 1,00,000 रुपए का जो है ना यू शुड गेट इट बैक, वापस मिलेगा आपको जरूर। तो क्या वाकई आप हमारे 1,00,000 रुपए दिलवा देंगी? क्यों नहीं, आप तशरीफ तो लाएं। ठीक है हम आ रहे हैं। ओके नवाब साहब ठीक है, ठीक है फिर आप आइएगा जरूर। जी जी अच्छा जी खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब मैं तुम्हें क्या कहूं जेबुनिसा, व्हाट कैन आई से, तुमने नवाब साहब को ठुकरा के यू हैव डन द बेस्ट फॉर मी, बहुत अच्छा किया तुमने मेरे लिए। सेल खराब है, ओ मेरे मतलब के बैल खराब है और दरवाजे पे मैं दस्तक ठक ठक दे चुका हूँ। अगर दस्तक देने के बाद कोई जवाब ना मिले तो आप किसी के घर पे भी मुंह उठाए चले जाएंगे। जाहिर है मुंह उठा कर ही आऊंगा, अब ये मुंह मैं कहीं रख तो नहीं सकता ना। और रहा सवाल कि किसी का घर, तो ये हमारे मालिक मकान का घर है और वो भी हमारे घर बगैर बैल बजाए यूं दाखिल हो जाते हैं। आप अंकल मंजूर पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वैसे बाय द वे आपकी तारीफ, आप किस लिए आए हैं? वो तो मैं भूल गया, लेकिन हाँ याद आया, आया तो मैं किसी काम से था, मगर आपको देखने के बाद है ना। आप तशरीफ ले जा सकते हैं, इसलिए कि मंजूर अंकल घर पर नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं इंतजार कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि आप कौन है और आपको मुझे यहाँ से निकालने का हक है भी या नहीं, उस वक्त तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इंतहाई ठीक है आप। हेलो सुनील। दोस्तों क्या आप लोग आज मेरे साथ हैं? मेरे घर के अंदर मेरे सामने आके फाफे मारने लगा कौन है तू? मैं आपकी किराएदार का बेटा अमजद हूँ, अमजद। अच्छा अच्छा फरमाइए कैसे इधर आना हुआ? वो अब्बा ने भेजा है मुझे और कहा है कि जाके सेठ साहब को बता दो कि जो बिजली का मीटर है वो बहुत फास्ट चल रहा है। फास्ट चल रहा है तो खुशी की बात है बेटा, इसका मतलब है जमाने की तरक्की के साथ बिजली का मीटर चल रहा है। देखो जमाना भी बहुत फास्ट चल रहा है, बिजली का मीटर भी फास्ट चल रहा है, तो इसमें ऐसी परेशानी की कौन सी बात है। रुका तो कुछ नहीं अंकल, बस सर वो बिल डबल हो जाएगा।
तो बिल डबल हो जाएगा। बिल को सिंगल करना तुम्हारे अपने इख्तियार में, बिजली कम खर्चा किया करो। मेरे ख्याल में अब्बा आपसे आकर खुद बात कर ले। हाँ कर ले कर ले, अब्बा है कोई पटवारी नहीं है, डरावा देता है, अब्बा आके बात कर लेंगे। ये मनहूस, इतनी देर हो गई है, किधर मर गया बसीर? ए बसीर! जी सर। सर का बच्चा सामने आके बैठ। किधर मर जाता है, 5 मिनट का काम होता है, 5000 घंटे लगा देता है, बैठ जा इधर का। देखने तू मेरे को खाली पीली सेठ को, तू काय को जलील करता है? तू ऊपर बैठते सोफे पे। नहीं सर मैं नहीं बैठ रहा ऊपर। काय को? हाँ ऊपर बैठूंगा, फिर आप कहेंगे नीचे बैठ जाओ। तूने मेरी प्लानिंग फेल करा दी। मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूँ, तेरे को एक काम के लिए भेजता हूँ। मैंने जो तेरे काम के लिए भेजा था तू कर लिया? तूने हो गया सर। हाँ किधर है वो? अरे सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बशीर जिस काम में हाथ डाले वो काम ना हो। अरे यार तू इतना लेबर काय को करता है बात करने में, खाली ये मेरे को बता उसको एक्टिंग आती है सही? अरे सर ड्रामो में शोहर की एक्टिंग कर चुका, उसकी अपनी बीवी कहती है इतनी अच्छी एक्टिंग वो घर में नहीं करते, इतने ड्रामो में करते हैं। लेकिन बशीर भाई एक बहुत लंबा फिकरिया वाली बात है, खाली ये मेरे को फरमाइए कि वो बहुत ज्यादा खुश सकल हैंडसम तो नहीं है? अरे सर कहां आप कहां वो। अरे सर आपसे तो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है वो। कैंसर कैंसर पाकिस्तानी टीम की तरह। फिल्म देख आ रहा है? नहीं अब्बा कोई फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन मैं हाँ बोलो बोलो। मैं कहना चाहता था कि अब्बा ये घर इतना बुरा नहीं है जितना मुझे पहले दिन लगा था। अरे क्या बोल रहे, जरा फिर से बोल। मेरा मतलब है अब्बा ये घर अच्छा है और अब हमें यही रहना चाहिए। लेकिन ये घर हमको पसंद नहीं है, हम तो उस मालिक मकान की बदमाशी की जिद में आकर रुका हुआ है। ठीक है अब्बा, मेरे ख्याल में फिर तो हम ये घर बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। अरे तुमको इस घर में कहाँ नजर आ गया? इतना अच्छा घर आसानी से कहाँ मिलता है अब्बा? अब देखिए ना अब्बा, इतना अच्छा घर हमें मिला है, अब हम यही रहेंगे। ठीक है अब्बा? ठीक है। अरे ये कहाँ कह गया? कभी कहता कि ये घर अच्छा नहीं है, कभी कहता अच्छा है, कभी कहता कि रहना है, कभी कहता कि नहीं रहना। अरे कोई पागल उगल तो नहीं हो गया? नहीं अभी तक जेबुन काय को नहीं पहुंची, हम सब लोग इंतजार करेले। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है, पहुंचना जेबुन को है, उसकी मर्जी है, वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तेरे पेट में काय को तकलीफ हो रही है? मैंने कल उसको फोन करके बोल दिया था, याद दिलाया था मैंने उसको, आज वो अपने शोर के साथ हमारे घर आ रही है। सर कोई मनुष्य खबर लेके आया होगा तू? वो लोग आ गए। बताऊंगा तेरे को मनुष्य, बताऊंगा। मैं कुछ खाने पीने के लिए लेके आऊं? हाँ झेर के कटले लेके आ, झेर के कटले। जाने दफाओ, भेज उनको। किधर है? माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी जोड़ी लग रही है, कैसी आपकी? अस्सलामुअलैकुम। भाई साहब बैठे बैठे ने बैठे बैठे आप तस्वीर हरकते कर रहे हो मेहमान। माशाला कैसी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। हाँ ऐसी जोड़ी जो है ना, मैंने एक दफा पहले तबले की देखी, तबले की जोड़ी देखी थी। बहुत शुक्रिया, आधा वर्ष करता हूँ। भाई साहब इतना आप शर्मा काहे को रहे? अरे ये क्या कह रही हो हाजी, व्हाट आर यू सेइंग? मेरा मतलब है इनसे ज्यादा जेबुन पे इनको शर्माना चाहिए ना। ए तो बचपन से बहुत शर्मीले। असल में जो आप फाट रही हैं ना कि बचपन से बहुत शर्मीले हैं, मैं भी असल में बचपन में बहुत शर्मीला था। मैं तो इतना शर्माता था छोकरियों को देख के कि मैं है ना शर्म से पानी पानी हो जाता था। अभी जो है ना मैं पानी से शर्म शर्म हो जाता हूँ। मेरा गाल तो इतने इतने लाल लाल थे कि लोग बोलते थे एक आजाद है एक मकबूज है। जुलेखा के अब्बा आप जरा इधर तस्लीम का टोकरा ले आए। मेरे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जैसे आपने गुड पॉइंट किया, आपने मेरे को जो है इशारा फरमाया। बैठिए बैठिए आप। तो औरतों को आपस में बैठना चाहिए ना, बातें बातें करनी चाहिए। माशाल्लाह कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है ना। भाई साहब
आपको ऐसे लगता है जिसे कहीं देखा है।